वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की जो आज सुनवाई थी उसके बारे में अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि पीसीएस और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी जॉब्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि आज क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ कोर्ट में और क्या चल रहा है। देखिए, आज जो सुनवाई का था कोर्ट में, सुनवाई तो हुई नहीं। क्यों सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि किसी के पक्ष में कोई फैसला आया ही नहीं है और जो कोर्ट ने मांगा था उसके साथ उनको पर्याप्त एविडेंस मिली ही नहीं है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हो गया, ये शिफ्ट कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि उन्होंने एक और अगली तारीख दे दी है, 9 अक्टूबर। ऐसे ही तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं और कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि क्यों होना जाना नहीं है? क्योंकि आयोग ढंग से कोई एविडेंस उपलब्ध करा ही नहीं रहा है और जज साहब के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको वो आधार मानकर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल करवा दे। देखिए, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल इसलिए हुआ था कि कई प्रकार की धांधलियां हुई थी, जाहिर था, उसमें सभी को पता है कि धांधली हुई थी, एविडेंस था, सब कुछ था, इसलिए फटाफट से सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया। बट अब रही बात फर्स्ट शिफ्ट की, तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ है ही नहीं कि वो एग्जाम कैंसिल करवा सके या फिर कोई एविडेंस दे सके। तो अभी तक तो यही खबर है कि नेक्स्ट तारीख मिली है 9 अक्टूबर। तब तक कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त एविडेंस लेकर आइए और उसके बाद ही इस पर एक निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। वैसे आप लोग जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका तो एग्जाम कैंसिल हो चुका है, बट फर्स्ट शिफ्ट वालों का एग्जाम कैंसिल मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी कोई निर्णय आ पाएगा। तो क्योंकि इतना अगर उनको एग्जाम कैंसिल करवाना होता जैसे सेकंड शिफ्ट का हो गया, तो फर्स्ट शिफ्ट का भी तुरंत हाल ही एग्जाम कैंसिल हो जाता। बट अभी तक ऐसा कोई भी आया नहीं है और डेट पे डेट मिलती जा रही है और बस स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं 9 अक्टूबर को जो तारीख लगी है उसमें क्या होगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि जल्द ही, जैसे कि बताया था कि जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है और री एग्जाम, और ये जल्दी एग्जाम डेट भी अनाउंस कर देंगे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।